Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is Siada and today we are going to discuss Civics uh, chapter first, the Indian Constitution. In this chapter, our today's topic is key features of the Indian Constitution. In last video, we have already discussed about the features of the Indian Constitution, in which today we will discuss on federalism federalism it is the main key feature of indian constitution and ahead we will discuss on parliamentary forms of government separation of powers fundamental rights and secularism let's start our today's topic federalism students फेडरलिज्म वर्ल्ड रेफर्स to the exercise ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन the कंट्री इसका मतलब यह कि फेडरलिज्म संघात्मक शासन प्रणाली जिसे हम कहते हैं इसका जो अपोजिट शासन प्रणाली है वह यूनिटरी शासन प्रणाली है जिसको हम एकात्मक हिंदी में एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं तो दीज आर द टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट फेडरलिज्म टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिट्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया फेडरलिज्म टाइप ऑफ गवर्नमेंट रन्स यानी हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली का उपयोग किया जाता है यूनिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट एकात्मक शासन प्रणाली यह यूएसए में इस टाइप की गवर्नमेंट रन करती है यूनिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट तो फेडरलिज्म के अंतर्गत यानी संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी संघ और राज्यों में होता है यानी जो गवर्नमेंट्स के पास अधिकार हैं वह अधिकार डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं संघ और राज्यों में यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में यह डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं तो टू बेटर अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू सी द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया तो यू नो There are three levels of uh, government in India. First is union government. Second is state government. Union government is also called central government. Central government are union government, state government, and local government. Local government is also called uh, third tier of Indian government. Local government, ko ham, third tier of Indian government. कहते हैं तो फेडर फेडरलिज्म संघात्मक शासन प्रणाली इसके अंतर्गत जो है पावर्स और पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच किया जाता है यू नो इंडिया इज वास्ट कंट्री एंड शो वास्ट कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गवर्न होल कंट्री सिटिंग इन द कैपिटल सिटी शो द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इस पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है जिसको हम तीन लिस्ट के माध्यम से जानते हैं यूनियन लिस्ट इस्टेट लिस्ट एंड कंक्रेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट संघ सूची स्टेट लिस्ट राज्य सूची और कंक्रेंट लिस्ट समवर्ती सूची तो यूनियन लिस्ट इस लिस्ट के अंतर्गत केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो सरकार दिल्ली में होती है उस सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है स्टेट लिस्ट According to this list only the state governments are eligible to make laws. And concurrent list, समवर्ती सूची, it allows both center as well as state government to make the laws. अर्थात् समवर्ती सूची concurrent list के अंतर्गत central government भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है लेकिन फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कानून को प्रीफर किया जाता है प्रायोरिटी दी जाती है यानी उसको बरियता दिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को ही अंतिम माना जाएगा इफ़ एनी कन्फ्यूज़न आकर्ड अकॉर्डिंग टू कंक्रेंट लिस्ट अगर समवर्ती सूची के संबंध में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो उस समय जो वरीयता की बात होती है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है यानी केंद्रीय सरकार को जाती है जो सरकार दिल्ली में बैठकर पूरे देश को गवर्न करती है तो फेडरलिज्म जो संघात्मक शासन प्रणाली है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ ऑटोनी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन ईशूज़ यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र उड़ीसा कर्नाटका तमिलनाडु केरला असम एट्सेट्रा इत्यादि इत्यादि जितने भी स्टेट्स हैं भारत में उन स्टेट्स के पास अपनी खुद की एक ऑटोनॉमी है खुद का एक उनका जो है अधिकार है कि वह जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन सब्जेक्ट्स पर जो कानून बनाए जाते हैं उसमें जो अधिकार होते हैं उसका अधिकार उस अधिकार का उपयोग स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र है निश्चित बिंदुओं पर करने के लिए लेकिन सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर्स दैट रिक्वायर्स दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज आई टोल यू बिफोर कन अबाउट कंक्रेंट लिस्ट तो कंक्रेंट लिस्ट के अंतर्गत सारे इस्टेट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए कानून को मानने के लिए बाध्य होते हैं और सारे प्रदेशों को जो केंद्रीय सरकार होती है दिल्ली वाली सरकार उस सरकार के बनाए कानून को फॉलो करना होता है अब हम अगले वीडियो में इसका जो सेकेंड पार्ट्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम उसके बारे में पढ़ेंगे ओके थैंक यू